हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भरत रक्षाधिपति सहित साध्वी भगवंतों ने किया नगर प्रवेश। गुरुजी महारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद से गूंजी थार नगरी। भगवान की प्रतिष्ठा का हिस्सा बनना बड़े सौभाग्य की बात है। जन्म ने प्रभु सूरी महावीर वाटिका की अंजन शलाका प्राण प्रतिष्ठा का जाजम मुहूर्त का कार्यक्रम संपन्न। गुरुजी महारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद और भगवान महावीर के जयकारों के जय घोष से बाड़मेर नगर गूंज उठा। खरत रग छाधापति आचार्य जन्म ने प्रभु सूरीश्वर जी एवं बहन मसा डा विद्रुत प्रभा श्री जी सहित कई साध्वी वर्याओं ने नगर प्रवेश किया तो मानो अपने गुरु के लिए पलक पावड़े बिछाए कर स्वागत करते नजर आए। गच्छाधिपति के नगर प्रवेश की शोभा यात्रा स्थानीय जैन छात्रावास स्टेशन रोड से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा के आगे जैन पताकाएं लिए युवा चल रहे थे। वहीं शहरवासी गुरुदेव को मथेन वंदामी कर स्वागत कर रहे थे। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई स्थानीय लंगेरा रोड महावीर वाटिका परिसर पहुंची, जहां पर ये शोभा यात्रा धर्म सभा में परिवर्तित हो गए। गच्छाधिपति के बाड़मेर आगमन पर उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कुशल पार्टी का अध्यक्ष भवर लाल छाजेड़ सहित कई अतिथि उपस्थित रहे। धर्म सभा को संबोधित करते हुए खरत्र गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री जन मणि प्रभ सूरीश्वर जी मौसा ने कहा कि बाड़मेर का भाग्य कर्म बड़ा उज्जवल है कि महावीर वाटिका में जैन धर्म के 24वें तीर्थ कर भगवान महावीर स्वामी इस धरा पर विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि संसार को चलाने वाले साक्षात प्रभु के प्रतिष्ठा का हिस्सा बनना बड़े सौभाग्य की बात है। गच्छाधिपति ने कहा कि सभी बाड़मेर वासी इस आयोजन के स्वर्णिम पल का हिस्सा बनने और प्रतिष्ठा महोत्सव को इस दशक का स्वर्णिम इतिहास बनाए। इन मार्गों से गुजरे शोभा यात्रा नगर प्रवेश की शोभा यात्रा स्थानीय जैन भोजन शाला से रवाना होकर गांधी चौक, सब्जी मंडी, लक्ष्मी बाजार, जवाहर चौक, पीपल चौक, चिंदरिया की जाल, जूना किराडो मार्ग, महावीर सर्कल होती हुई कार्यक्रम स्थल महावीर पहुंची। शोभा यात्रा में पुरुष जगह जगह नृत्य करते हुए वो महिलाएं रंगोली व गहुली बनाकर गुरुदेव का स्वागत कर रही थी। आज गुरुदेव के नगर प्रवेश को लेकर पूरे जैन समाज में खुशी का माहौल बना हुआ था। शोभा यात्रा में ये रहे आकर्षक। शोभा यात्रा को शोभा दे रहे जुलूस में सर्वप्रथम आगे चल रहे शहनाई वादक मयूर नृत्य, बालिकाएं जैन ध्वज लिए हुए, विक्षण पाठशाला के बच्चे ध्वजा फहराते हुए, ज्ञान वाटिका की बालिकाएं, खड़ग ढोल बैंड वादक, अखिल भारतीय खरत्र कच्छ युवा परिषद के व्यवस्था के साथ खतर गच्छाधिपति व गणिवरिया व पुरुष वर्ग, इसके पीछे जिन शासन विहार सेवा के व्यवस्था के साथ साध्वी भगवंत व महिलाएं पंक्ति से चल रही थी। इसके बाद खतरगज महिला परिषद की महिलाएं व खरतगज महिला परिषद की बालिकाएं, आदिनाथ सेवा संगीत मंडल सहित कई मंडलों की महिलाएं कलश लेकर चल रही थी। मंगलाचरण व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ प्रतिष्ठा महोत्सव जाजम मुहूर्त का श्री गणेश। महावीर पार्टी का प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के संयोजक प्रकाश चंद्र वडेरा ने बताया कि श्री जैन श्वेतांबर ओसवाल जैन श्री संघ के द्वारा नव निर्मित महावीर वाटिका की 8 मई को होने वाली अंजन शलाका प्राण प्रतिष्ठा के जाजम मुहूर्त के कार्यक्रम के शुरुआत में जैन समाज द्वारा गुरु वंदन किया गया। संयोजक प्रकाश चंद्र वडेरा द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के त्रिदिवसीय कार्यक्रम के फोल्डर का गुरुदेव के हाथों विमोचन किया। कार्यक्रम के शुभारंभ की कड़ी में जाजम को बिछाने का चढ़ावा बोला गया, जिसका लाभ आदरमल भगवान दास
छाजेड़ परिवार भादरेश वालों की ओर से लिया गया। इसके पश्चात गच्छाधिपति के मुखाबिंद से ओम पुनियाहम व मंत्रोच्चार के साथ जाजम बिछाने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद जैन संगीत सम्राट विनीत गेमावत द्वारा प्रतिष्ठा में होने वाले पंचानिका महोत्सव में नवकार सिंह व जय जिनेन्द्र हले चुंदड़ी शाही कृपा आदि कई चढ़ावे बोले गए, जिसमें महावीर पाटिका के तीन मुख्य द्वार का लाभ वकील नेमी चंद तुलसीदास वडेरा परिवार द्वारा लिया गया। जैन समाज के बंधुओं ने धन का सदुपयोग करते हुए चढ़ावे में खूब भाग लिया। इस पश्चात संकल संघ के स्वामी वात्सल्य का आयोजन जैन श्री संघ की आज्ञा से डा भगवान दास केशरी मल बोथरा परिवार महाबार वाले हाल सांचौर द्वारा किया गया। बोथरा परिवार का जैन श्री संघ द्वारा अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के अंत में संयोजक प्रकाश चंद्र वडेरा द्वारा सभी संस्थाओं व बाहर से पधारे हुए मेहमानों को धन्यवाद देकर आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का सफल संचालन मुकेश बोहरा अमन ने किया। जागरूक टीवी की बाढ़ में से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।